खान साहब, पठान साहब, सलाम अलैकुम। सौदागर साहब, सौदागर साहब, मोमिन साहब, जो भी हैं हमारे मुसलमान ब्रदरान इस्लाम, सलाम अलैकुम। तो हर साल हमारे ईदगाह मैदान रानीपुर में, हर साल हमारे ईदगाह मैदान रानीपुर में दो नमाजें पढ़ी जाती हैं, रमज़ान की नमाज, ईद उल फितर की नमाज और बकरीद की नमाज, दो नमाजें पढ़ी जाती हैं। खुशी का दिन है, खुशी का आलम है, हर जगह शिवियाँ मिठाइयाँ तकसीम होती। मगर मेरा एक सवाल, क्या हर साल, मतलब जब से मैं देख रहा हूँ, दो तीन साल के पीछे या चार साल के पीछे या दो साल के पीछे, ईद के दिन ये जो गैर कौम के जो भी नवार शंकर होते हैं, गैर कौम के जो गैर कौम के नॉन मुस्लिम, ये जो गैर कौम के नॉन मुस्लिम एम एल ए जी शिवन्ना होंगे, या गैर कौम के नॉन मुस्लिम कोड़ीवाड़ साहब होंगे, या गैर कौम के नॉन मुस्लिम में जो प्रकाश कोड़ीवाड़ है, या जो भी गैर कौम के नॉन मुस्लिम अध्यक्ष वगैरह वगैरह, इनको की हमारे लोग वहाँ जो ईदगाह के मुसल्ले के पास लाल पठाकुर, ईदगाह के नमाज पढ़ने की जगह लाल पठाकुर, ईदगाह के बयान करने की जगह लाल पठाकुर, ईदगाह के सजदा करने की जगह लाल पठाकुर, ये जो इस्लाम नहीं कबूल करे, इस्लाम नहीं कबूल करे, सो ओपन बोल तो हिंदू, जो हिंदू है गैर मुसलमान, इनको तुम्हें इज्जत से शाल डाल को, फूल डाल को, इज्जत से शाल डाल को, फूल डाल को, लाल पठाकुर, हाँ इनको इतनी इज्जत दो को नमाज होने के बाद इनको नमिंदा मुसलमान रिगे, नमिंदा मुसलमान रिगे, ईद सुभाषय नमिंदा मुसलमान रिगे, ईद सुभाषया कर को, इनसे हमें सुभाषय लेने की जरूरत क्या है कोई? लाखों के मुसलमान से हमारा सुभाषय हो रहा, लाखों के मुसलमानों से हमें शहबाजगिरी मिल रही, हजारों के मुसलमान से हमारा गुजर बसर चल रहा, यतीमी में, कमजोरी में, मुफलिसी में, खाकसारी में मुसलमान भाई आना थे, खाजियाँ, खतीबा, मुलाएँ, खिलेदारा, सौदागर, पठाना हमारे साथ है, तो ये हमना लब्बैक नहीं करने वाले, नारे तकबीर अल्लाह अकबर नहीं करने वाले, नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम, ओपन हिंदू को बुला को तुम्हें ईदगाह में ला को, उनको बठा को, गुलपोशी कर को, शाल डाल को, माले डाल को, उनसे तुम्हें ईद मुबारकबादी ले को, नमस्कार रे, सलाम अली कर को, चमचागिरी कर को, जीव जुरी कर को, ये तुम्हें कौन सा करना में बोलते साधने करने जा रहे हैं? हमारे चंद लोग, चंद राजकारणी, चंद लोग, चंद मुसलमान, जरे लोग, जरे मुसलमान राजकारणी, इसका जवाब तुम ना देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, जरूर देना पड़ेगा, कि नौजवान नसल है कि बोला अगर खाजियाँ, खतीबा, मुलाया, पठाना एक ही तो जंग होती, और एक बार बोलते खाजियाँ, खतीबा, मुलाया, पठाना एक ही तो जंग होती, जंग ना होना, इसका जवाब तुम्हें नौजवानों को देना पड़ेगा। तुम्हें बुला भेजो भाई, दिल्ली के शाही इमाम को बुला भेजो, पंजाब के शाही इमाम को बुला भेजो, अलीगढ़ के शाही इमाम को बुला भेजो, हैदराबाद के शाही इमाम को बुला भेजो, आलिम फाजिल को बुला भेजो, उनकी गुलपोशी करो, उनकी तुम्हें खातिरदारी करो, गैर मुस्लिम को ओपन बोलते हिंदू को तुम्हें बुला भेज को, हिंदू प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्राइम मिनिस्टर का बाबा होंगे, उसकी तुम्हें की चमचागिरी चापलूसी कर रहे हैं। नौजवानों को तुम्हें बोलना पड़ेगा इस ईद के फौरन बाद, लिमिटेड बात है, नौजवान बैठी खासे खतीबा, उनको प्यार भरा सलाम, सलाम अलैकुम, दुआ कीजिए और इस रिकॉर्डिंग को सेव कीजिए, और इस रिकॉर्डिंग को सेव करके तमाम रानी बेनूर के मुसलमानों को शेयर व्हाट्सएप और सेंड कीजिए, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। इस बयान में कुछ गड़बड़ी हो गई तो जरा सामान्य कमजोरी है भाई, माफ कीजिए, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।